ठीक है। तो हेलो गाइज, आप मुझे बहुत दिनों बाद आज यूट्यूब में देख रहे होंगे। रीज़न बीइंग कि मैं लंदन में नहीं था काफ़ी टाइम से, इंडिया आया हुआ था और अभी मैं आज वापस जा रहा हूँ लंदन आफ्टर सो लॉन्ग, एंड इसीलिए मैं वीडियो में अवेलेबल नहीं था। बट अभी मैं आ चुका हूँ दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर। आज मेरी फ़्लाइट है लंदन के लिए और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे मेरा राउट है। तो इस बार जो राउट है थोड़ा लॉन्ग राउट लेके जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। तो यहाँ से पहले मेरी फ़्लाइट अभी श्रीलंका की है, कोलंबो। सो कोलंबो आई विल रीच इन द मॉर्निंग एंड देन कोलंबो से आई हैव अ फ्लाइट फॉर हीथ्रो। तो अभी मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ पे अभी तक हमारा जो बोर्डिंग काउंटर है वो ओपन नहीं हुआ। मुझे लगा था कि काफ़ी इसमें भीड़ होगी इसलिए मुझे जल्दी आना चाहिए, पर अभी बोर्डिंग काउंटर स्टिल ओपन होने में 10 से 15 मिनट है, तो तब तक हम लोग इधर ही रहेंगे। एंड उसके बाद जैसे ही ये ओपन होगी लाइन तो फिर मैं अपना बोर्डिंग पहले करवा के सामान जमा करवाऊँगा। सो गाइस, बहुत भीड़ थी इमिग्रेशन और सिक्योरिटी पे। जितना हम खुश थे कि बोर्डिंग पास में हम सबसे पहले लग गए थे, मैं सबसे पहला था बोर्डिंग पास लेने में, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन में इतनी भीड़ थी, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए, ऑलमोस्ट 2 आवर्स इन सिक्योरिटी एंड बोर्डिंग। तो हम बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है, अब अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हुए। और ये हम आ गए यहाँ के ड्यूटी फ्री एरिया में, देख सकते हैं ड्यूटी फ्री में मैं कुछ अभी ले नहीं रहा, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पे तो अब हम अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हुए, हमारा जो गेट है वो 12A है, काफ़ी दूर है यहाँ से, बट थैंक गॉड कि यहाँ पे ट्रैवलेटर्स हैं तो हमें चलना नहीं पड़ेगा और ट्रैवलेटर्स हमें लेके जाएंगे हमारे बोर्डिंग गेट तक। जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाहर और क्या क्या आउटलेट्स हैं। यहाँ पे हल्दीराम का आउटलेट है, अगर आपको कुछ खाना हो तो आप वो खा सकते हैं वहाँ पर। और थोड़ा फास्ट चलते हुए अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, यहाँ पर ट्रैवलेटर्स पे एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको चलने की ज़रूरत नहीं, पर अगर आपको जल्दी और पहुँचना है तो आप ट्रैवलेटर्स के साथ साथ खुद भी पैदल चल सकते हैं। गेट नंबर 3-14 है, हमें जाना है 12A पे। हम पहुँच गए हैं 4-14 अभी भी दिख रहे हैं, नहीं 3rd पे पहुँचे, 3A एंड 3B है और हमें जाना है 12 पे। तो आराम से जाएंगे, बहुत दूर है। काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी फ्लाइट्स का इंतज़ार करते हुए, बाहर से कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो अभी भी हम ट्रैवलेटर्स पे जा रहे हैं एंड मैं बताना चाहूँगा कि ये जो IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का, एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। एंड आज तक मैं जितने भी एयरपोर्ट्स पे गया हूँ आई थिंक ये मेरे को बेस्ट एयरपोर्ट लगता है। ये भी हो सकता है कि मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स दैट वी हैव, और मे बी आई वुड से दैट आई हैव एवर विजिटेड। और अभी भी हमारे गेट्स नहीं आए हैं और फाइनली हम पहुँच गए गेट नंबर 12 से, यहीं से हमें हमारी फ़्लाइट मिलेगी। तो कुछ लोग पहले से आके बैठ गए हैं। So finally I have reached London
अभी मैंने अपना बैग कलेक्ट किया है, बैग कलेक्ट करके इमिग्रेशन एंड बैग कलेक्ट किया है। इमिग्रेशन में इतनी लंबी लाइन नहीं थी जितनी एक्सपेक्टेड थी, बट बैगेज में काफ़ी टाइम लग गया। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक हीथ्रो एयरपोर्ट आउटसाइड। और अब मैं यहाँ से एक टैक्सी हायर करूँगा और फिर अपने घर के लिए जाऊँगा। गाइस फाइनली, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं लंदन पहुँच गया हूँ, घर पे आ गया था। बीच का मैं कवर नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज वेरी मच टायर्ड, तो टैक्सी में मैं सो गया था। आने के बाद अभी अनपैकिंग भी नहीं की है और बस अब खाना खाया और अब सोने की तैयारी है। अब ठीक है, तो फॉर नाउ गुड नाइट, एंड आगे के वीडियोस में आपको बताते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। और अर्णव के आप देख सकते हैं कि अर्णव कितना खुश है, उसके एक्सप्रेशंस, मतलब वो हम कवर करना कर नहीं पाए बिकॉज उस टाइम एकदम से रैंडमली हमारे माइंड में आया नहीं। जैसे उसके पापा का फ़ोन आया एंड ही वॉज जस्ट यू नो रनिंग ऑल ओवर द प्लेसेस कि बस मुझे तो जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, और वो नीचे फटाफट गया और फिर हम लोग करके क्या। थैंक यू, बाय।